चलिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी। ये हमने लौकी ले ली है कद्दूकस के और इसका पानी पूरा निकाल दिया है। और ये एक कटोरी बेसन लिया है और ये मसाले के 3 से 4 टमाटर लिए हैं और ये प्याज 3 से 4 प्याज और ये लहसुन की कलियाँ और ये खड़े हुए मसाले। चलिए हम पहले कोफ्ते बना लेते हैं। हम इसमें सबसे पहले बेसन ऐड करते हैं, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक हल्का ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले ही नमक डाल दिया था और इसका पानी निकाल दिया था पूरा। इसमें हम थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे। चलिए अब इन सबको हम मिला लेते हैं। इसमें हम हल्का सा पिसा हुआ मिर्ची भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे मिला लिया है, मिक्स कर लिया। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। चलिए हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने छोटी छोटी बॉल्स बना ली है और इन्हें तेल में फ्राई करेंगे। ये हमने तेल चढ़ा दिया है, हमारा तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल गरम हो चुका है। हम इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ताकि अच्छे अंदर तक पक जाएं हमारे बॉल्स। ये देखिए, हमने उलट देंगे और गोल्डन होने तक पकाएंगे ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाएं। देखिए दोस्तों, हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं अंदर तक। देखिए अब इन्हें निकाल लेंगे और बची हुई गोलियों को इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। चलिए जब तक हमारे पक रहे हैं तब तक हम प्याज टमाटर को पीस लेते हैं और मसाला रेडी कर लेते हैं। ये हमारे खड़े मसाले हैं, ये सब हम जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम सबने जार में डाल दिया। अब इन्हें पीस लेंगे, प्याज और टमाटर सभी हम एक साथ पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी मसाले पीस लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम जो है उसमें डालेंगे। ये देखिए हमारा तेल गरम है, उसमें सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें ये देखिए दोस्तों, इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और ये लाल मिर्च पाउडर, इसे हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाएँ। यानी हम 10 से 20 मिनट तक अच्छे से भूज लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जल्दी पक जाएँ और भून जाएँ। हमें अच्छे से भूजेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला भून चुका है और इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, लहसुन उबाल आ गया। हम बॉल्स को हम डाल के 5 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छे से लहसुन में ये मिक्स हो जाए। ये हम अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ी रसे में मेल्ट होकर पक जाए। ये देखिए दोस्तों, पक चुके हैं लहसुन। ये देखिए दोस्तों, हमारे लौकी के कोफ्ते परफेक्ट बन के रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
और कमेंट करिए। एकदम आसान तरीके से परफेक्ट एकदम बने हुए लौकी के कोफ्ते आप भी बनाइए। थैंक यू।